नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। डीसी कांगड़ा कार्यालय के बाहर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जेबीटी के प्रशिक्षु एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से अगर बात की जाए तो लंबे समय से ये इस मांग को लेकर लगातार धरातल पे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि न्याय मिले तो समानता के अधिकार पर न्याय मिले, इसको लेकर ये लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये डीसी कांगड़ा कार्यालय पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है और ये क्या कहते हैं? पहले तो अपना नाम और परिचय। मेरा नाम जगदीश परियाल है और मैं जीएफटी यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ। लगातार आप मांग कर रहे हैं सरकार से, ना सरकार आपकी ध्यान दे रहा है ना प्रशासन, क्यों आज डीसी कांगड़ा कार्यालय पहुंचे हैं? सर, हम आज डीसी कांगड़ा को ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने जो अभी जेबीटी बैच वाइज की भर्तियां हो रही हैं जिसमें बीएड वालों को भी शामिल किया जा रहा है। जो हमारे जेबीटी के बैच चले हुए थे, जो जेबीटी की भर्ती निकली थी, तो उसमें हमारे 12-13 के बैच चले हुए थे, परंतु इस बार इन्होंने 2008 के 8-7 के जेबीटी बुला लिए हैं। तो उस अभी 2021 में जो बुलाए थे उन्होंने 2007-08 के जेबीटी बुला लिए थे, तो इस बार उनको कम से कम 13-15 तक जेबीटी बुलाने चाहिए थे बैच वाइज भर्ती में, पर वो डिक्रीज हो गए, 2007 पहुंच गए। तो हमारी मांग यही है कि जो जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हो रही है उसमें से बीएड वालों को बाहर रखा जाए, क्योंकि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है और फाइनल डिस्पोजल पे मतलब उसका निर्णय कभी भी आ सकता है। तो उससे पहले शिक्षा विभाग को जो है ये भर्तियों को पुराने आरएनपी रूल पे करनी चाहिए, क्योंकि आरएनपी रूल चेंज भी नहीं हुए हैं। तो पुराने आरएनपी रूल करो पे भर्ती करो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने दो। लंबे समय से आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं, अभी तक जैसा कि उन्होंने कहा कि धरातल पे कुछ सामने देखने को नहीं मिल रहा है, क्या लगता है कि इस तरह की रैली, आक्रोश प्रदर्शन करके, धरना प्रदर्शन करके आपकी मांगे जो है सरकार मानेगी? जी, अभी तो हमने एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है जिसमें हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में सभी जेबीटी साथी जो हैं वो धरना प्रदर्शन करके एक शांतिपूर्ण रैली निकाल के अभी तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान में ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी 40,000 प्लस जेबीटी साथी जो हैं प्रदेश भर में हैं, तो इसके बावजूद आपको बीएड को एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ हमारे राइट्स को हमसे मत छीनिए। तो इसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हमें एक बड़ी जो है रैली का आयोजन जो है शिमला में करना पड़ेगा, हमें मजबूरन फिर अनशन पर भी बैठना पड़ेगा। कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं या नहीं? जी, पूरे प्रदेश भर में सभी कॉलेजों और प्राइवेट कॉलेजों और डाइट्स में क्लासेस का बहिष्कार किया जा रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनका भी कहना है कि अगर उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, अगर उनकी पोस्टों पर जो है बीएड वालों को रखना है या फेक ईटीटी डिप्लोमा धारकों को रखना है, तो फिर उनके 2 साल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? या तो फिर सारे जो कॉलेज हैं डाइट हैं उनको बंद करके आप बीएड का कोर्स करा लो, हम भी बीएड कर लेते हैं, फिर क्यों अपने अपना 2 साल वेस्ट कर रहे हैं? तो इससे इसलिए जो पूरे प्रदेश भर के प्रशिक्षु हैं वो सभी क्लासेस का वर्कआउट कर रहे हैं। जी, थैंक यू। तो जेबीटी के प्रशिक्षु हैं और ये कह रहे हैं कि जो बैच वाइज भर्तियां की जा रही हैं उसमें बीएड के जो प्रशिक्षु हैं या बीएड पास आउट हैं उन्हें भी प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जेबीटी वाले ही जेबीटी या जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उन्हें पढ़ाएं ताकि जो है समानता मिले। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।